अच्छा तो आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर वो है आर ई आर ई यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन की जस्ट हम बात करें तो क्या होता है एक्सप्रेशन कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं कुछ ऑपरेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो हो हमें कोई ना कोई आउटपुट या कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा होता है सेम इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमने पीछे फेनाइट ऑटोमेटा देखा हमने डी एफ ए देखा हमने एन एफ ए देखा हमने देखा कि इसके अंदर किस तरह से वर्किंग हो रही होती है हमने देखा कि किस तरह से हम कोई भी लैंग्वेज का ऑटोमेटा uh, डिज़ाइन कर सकते हैं किस तरह से हम कुछ इनपुट्स और कुछ स्टेट्स को इस्तेमाल करते हुए uh, एक ऐसा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके ऊपर किसी भी किस्म की हम स्ट्रिंग लें अगर वह हमारी लैंग्वेज के लैंग्वेज से बिलोंग करी है तो वो एक्सेप्टेबल होगी अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं होती तो ये जो चीज़ थी हमने पीछे ऑलरेडी एन और डी के अंदर देख ली अब वो तो हमारे पास एक डायग्राम के फॉर्म में एक मटेरियल आ जाता है ठीक है अगर आपको कहा जाता है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है एक एक्सप्रेशन बनाना है और ऐसा एक्सप्रेशन हो कि उसके ऊपर उस एक छोटे से एक्सप्रेशन के अंदर हम लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग डालें तो एक्सेप्टेबल हो जाए तो हमने जो चीज़ पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट की डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट की अब हम उन्हीं के एक्सप्रेशंस बनाएंगे डायग्राम में जो होता था कुछ स्टेट्स थी कुछ इनपुट्स थी उसके ऊपर हमने क्या किया हमने एक स्ट्रिंग को डाला अगर वो स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज के क्राइटेरिया पे पूरा उतरी है वो एक्सेप्टेबल थी अगर वो स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज के क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं थी सेम इसी तरह से हम उसी डायग्राम को फॉलो करते हुए भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं या हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बना के और फिर उससे डायग्राम भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होने वाला है तो हम उन ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे सबसे पहले प्लस प्लस एज अ यूनियन काम करता है जहाँ पे हमने कहना हो कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़रेंट क्राइटेरियाज हो और हम डिफरेंट किस्म के क्राइटेरिया से डिफरेंट किस्म के स्ट्रिंग्स बनाना चाह रही हैं सपोज मैं कहूँ कि मैं स्टेट uh, ए से स्टेट बी की तरफ जा सकती हूँ विद ए इनपुट ठीक है और सपोज़ भी मेरी फाइनल है और मैं कहूँ कि ए से मैं सी की तरफ भी जा सकती हूँ विद बी इनपुट तो इसका एक्सप्रेशन किस तरह से होगा ये हमारे पास बेसिकली दो रास्तों को जोड़ रहा है ये एक ए के रस्ते को और एक बी के रस्ते को जोड़ रहा है तो हम इसका एक्सप्रेशन कहेंगे ए ये वाला और ये जो डिफ़रेंट किस्म के रास्ते होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम अपेंड करने के लिए क्या करते हैं बी प्लस का इस्तेमाल करते हैं या सपोज़ हम ऐसे कह देते कि ए से मैं स्टेट बी की तरफ जा रही हूँ और ए इनपुट से भी जा सकती हूँ और सेम इसी तरह से मैं बी इनपुट से भी जा सकती हूँ तो इसके लिए भी हम यही कहेंगे कि एक्स का एक्सप्रेशन भी ए प्लस बी ही बनेगा तो जहाँ पे हमने दो डिफरेंट किस्म के वैल्यूज़ को अपेंड करना होता है बल्कि अपट से ज़्यादा बेहतर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट रिश्तों को हमने एक ही एक एक्सप्रेशन के अंदर शो करना होता है तो हम उन एक्सप्रेशन को अलग अलग काउंट कर लेते हैं जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल इसकी हम अगर बात करें तो ये सिर्फ ए था इसकी हम बात करें तो ये सिर्फ बी था मैंने एक ए ले, ले लिया एक बी ले लिया और क्योंकि ये दो तो अलग अलग रिश्ते थे तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने प्लस की मदद से अच्छा ये तो हमारे पास था पहला ऑपरेटर प्लस जो डिफरेंट और याद रखिएगा ये जितने भी हमारे पास आ, ऐसे वेज आएंगे ऐसे रस्ते आएंगे जिसमें इनपुट्स पर पेंडिकुलरली जा रही हैं जैसे सपोज़ ए और बी अलग अलग जा रही थी या ये ए से बी और ए से सी की तरफ दो रस्ते जा रहे थे तो उसके लिए हम प्लस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अब ये एक लैंग्वेज को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है एक लैंग्वेज में एक इनपुट को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है दो स्टेट्स को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है उसके हम डिफरेंट वेरियस आके देखते जाएंगे, डिफरेंट किस्म के आके हम व्यू uh, लेते जाएंगे कि uh, किस किस सिचुएशन में हम इस प्लस को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं जो होता है डॉट जस्ट डॉट अब ये डॉट क्या कहता है इसे हम कनकेटिनेट का नाम देते हैं जैसे पहले हमने प्लस को का यूनियन होता है और उसे हम एंड या और के लिए कह सकते हैं इसी तरह से ये डॉट क्या कहता है ये कनकेटिनेट करता है कनकेटिनेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास पैरेलली जब कोई ए की पाथ हम मूव कर रहे हैं तो उसे अपेंड करता जाता है तभी मैंने कहा कि यूनियन में हम अपेंड का वर्ड यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपेंड बेसिकली हम uh, कह सकते हैं कि कनकेटिनेट के अंदर आ जाता है इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लूँगी डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको बताऊँगी फिर से कि सपोज हमारे पास एक ए है और ए से मैं गई बी की तरफ और तब मैंने दी इनपुट ए फिर मैंने कहा कि मैं बी से गई सी की तरफ और तब मैंने इनपुट दी बी अब यहाँ पे देखें जो भी हमारे पास एक रास्ता जा रहा है तो वो एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक स्मूथ पाथ है एक ही कंटिन्यूस पाथ है इसमें हम दो डिफरेंट किस्म के रास्ते नहीं देख रहे इसमें हम ये नहीं देख रहे कि एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है एक रास्ता नहीं एक ही रास्ता ए से बी की तरफ गया बी से सी की तरफ गया अब इसका अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन बनाना है तो यहाँ से हमें क्या मिला ए और यहाँ से हमें क्या मिला बी और क्योंकि ये एक ही रास्ते से मिले ये किसी दो रस्तों से नहीं मिल रहे तो इन्हें जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे दरमियान में डॉट लगा देंगे कनकेटिनेट हो जाएगा ये ठीक है तो ये हमारे पास दूसरा ऑपरेटर था जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं तीसरा हमारे पास आ जाता है क्लीन क्लेयर्स जिसे हम स्टार से प्रेजेंट करते हैं अब सपोज हमने डी के अंदर डिफरेंट सिचुएशन देखी जब हमने डी एफ एस और एन एफ एस बनाए तो हमने देखा कि सपोज़ हम ऐसे कह देते हैं कि ए से मैं बी की तरफ़ भी गई ठीक है ए से मैं सी की तरफ भी गई ए से मैं बी की तरफ ए और बी दोनों इनपुट के साथ गई और इसी तरह से सी की तरफ मैं सिर्फ़ बी इनपुट के साथ गई और फिर मैं कहती हूँ कि बी पे जाके मुझे ए का लूप भी मिल गया यानी एनी नंबर ऑफ ए अब इस किस्म की डी एफ हम देख चुके हैं अब ये देखें मैंने ये भी बता दिया कि जब हमारे पास ऐसा आ जाए कि स्पोज़ या इसे कंटिन्यू कर लेते हैं इसे फाइनल बना देते हैं डी पे इसे वी कोई फ़ाइनल बना देते हैं ऐसे तो यहाँ पे देखें अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो रस्ते जा रहे हैं दो रस्तों की बात Uh, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम ए से बी की तरफ भी जा रहे हैं एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ए से सी सी से डी दूसरा पाथ हो गया यानी यहाँ पे ए से बी वाला और ए से सी सी से डी वाला दो अलग अलग हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा और उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी प्लस की क्योंकि दो पाथ हैं दो पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए प्लस की जरूरत पड़ पड़ती है दूसरा ए से बी की तरफ भी देखें तो ए से बी की तरफ मैंने ए कॉमा बी लगा रखा है ठीक है इसका मतलब यही होता है कि हम इसे अलग अलग लिखें कि ये ए से बी की तरफ ए इनपुट पे भी जा रहा है और ए से बी की तरफ बी इनपुट पे भी जा रहा है अलग अलग लिखें या ए की लाइन पे कॉमा लगा के लिख दें उन दोनों का मतलब यानी कॉमा का मतलब अगर इन शॉर्ट देखें तो वो प्लस ही होता है तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस आ रहा है और ए से बी वाला पाथ या ए से सी सी से डी इन दोनों को जोड़ने के लिए वहाँ पे भी प्लस आ रहा है फिर बी और बी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कन यानी कि डॉट का जरूरत पड़ेगी ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है ये लूप इस लूप के लिए हम क्या करेंगे इस लूप के लिए तो ना हम प्लस लगा सकते हैं ना हम डॉट लगा सकते हैं चलो हम कहते हैं कि हमारे पास एनी नंबर ऑफ ए हैं तो हम डॉट लगाना शुरू करें शुरू कर दें ए डॉट ए डॉट ए कितने ए लगाएंगे कितने डॉट्स लगाएंगे जो तो इन्फीनाइट की तक चलेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम इसके लिए ऑपरेटर यूज करते हैं तीन क्लेयर का जिसके ऊपर भी लू बार या जो भी बार बार हमें वैल्यूज कैलकुलेट करके देने वाला है उसके ऊपर हम सिंपली क्या लगा देते हैं स्टार लगा देते हैं तो इस तरह से हमने तीन बेसिक इसके ऑपरेटर्स पढ़े यूनियन पढ़ा हमने यूनियन के बाद कनकेटिनेट पढ़ा और कनकैटिनेट के बाद हमने इसके अंदर पढ़ा क्लियर अच्छा यहाँ पे इस किस्म के जो मैंने डायग्राम बनाई ये फ़िलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए थी कि ऐसी डायग्राम्स आती हैं और इस तरह से हम एक्सप्रेशन उसके लिए व्यू करते हैं लेकिन अभी इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही या इसका प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ये एक्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐसी डायग्राम बना है जिसमें सारे पॉसिबल केसेज़ मैंने लगा दिए अब सारे पॉसिबल केसेस के लिए जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ये सारे पॉसिबल केसेस एक ही डायग्राम में आ जाएं और उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसलिए हम अपनी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की बात है स्टार्ट करेंगे छोटे स्टेप्स से ठीक है हमने सपोज़ डिफरेंट किस्म की सिचुएशन आ सकती हैं और आपको डिफरेंट किस्म की सिचुएशन से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का कहा जा सकता है सपोज़ पहली सिचुएशन क्या हो सकती है पहली सिचुएशन हो सकती है आपको कहा जाता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए स्ट्रिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं ज़ीरो वन और वन uh, वन ठीक है अब कहा जाता है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए ये पहला केस है पहला केस जिसमें लैंग्वेज की वन होगी ठीक है उस लैंग्वेज से आपने क्या करना है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे जैसे मैंने अब भी आपको थोड़ी देर तो पहले कहा कि कॉमा को जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर शिफ्ट करते हैं तो उस कॉमा की जगह पे हम क्या लगा देते हैं प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ज़ीरो पे फेर one, फेर प्लस आ जाएगा फिर वन फिर प्लस आ जाएगा और वन वन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म थी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की अच्छा दूसरी चीज़ अक्सरों का हमारे पास ऐसा भी आ जाता है कि ऐसी लैंग्वेज जा आ जाती है जिसमें हमें एनालाइज़ करना पड़ता है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उस हिसाब से थिंकिंग करते हैं अब इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा था इसमें एक ज़ीरो था एक वन था एक वन वन था तीन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी, थी तो उनको हमने प्लस से कनेक्ट कर दिया अच्छा अगर ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज दी जाती है जिसमें लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स की वन नहीं है बल्कि क्राइटेरिया वन है आपको कहा जाता है कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाए सपोज ड्रा रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज दैट एंड्स ऑन दैट एंड्स ऑन जीरो कॉन्टेनिंग एनी नंबर ऑफ जीरो एंड वन ठीक है हमने अब दूसरा केस है बनाना रेगुलर एक्सप्रेशन ही है लेकिन कोई स्ट्रिंग्स गिवन नहीं है बल्कि लैंग्वेज की एक सिचुएशन दी गई है कहा गया है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एनी नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस हैं लेकिन कहाँ है? स्टार्ट में है एंड किस पे हो रहा है एंड हो रहा है जीरो पे तो वो जीरोस एंड वंस जो स्टार्ट में आ रहे हैं उनको हमने किस तरह से लेके चलना है और एनी नंबर ऑफ ज़ीरो और एंड पे क्या पड़ा है एंड पे पड़ा है जीरो अच्छा अब इसके लिए आप बेशक तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में जो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकिन अगर आपका स्टार्ट है और आपको फ़ौरन से नहीं समझ आई कि किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो बेशक आप पहले उसकी सूटेबल स्ट्रिंग्स बनाना शुरू कर दें उससे भी आइडिया हो जाएगा कि क्या किस तरह की ये स्ट्रिंग्स बन रही हैं तो आपको कहा है कि एंड वन पे होना चाहिए एंड ज़ीरो पे होना चाहिए स्टार्ट में जीरो और वन कुछ भी हो सकते हैं मैं कहती हूँ कि एंड ज़ीरो पे इसका मतलब स्टार्ट में ना तो कोई ज़ीरो है ना तो कोई वन है सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो पे ही एंड हो रहा है या मैं कहती हूँ स्टार्ट में एक ज़ीरो है और एंड भी ज़ीरो पे हो रहा है या स्टार्ट पे एक वन है एंड भी जीरो पे हो रहा है स्टार्ट में डिफरेंट वन एंड जीरो एंड वन एंड ज़ीरो पे हो रहा है इस किस्म की डिफरेंट स्ट्रिंग्स बन रही हैं सही है अब इसका मतलब ये है कि सब में कॉमन चीज़ क्या है एंड ऑन ज़ीरो आखिरी एलिमेंट क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए तो हम आखिरी एलिमेंट क्या कर सकते हैं जीरो लगा देते हैं ठीक है और उससे पहले उससे पहले क्या है उससे पहले जीरो भी हो सकता है उससे पहले वन भी हो सकता है इसका मतलब उससे पहले जीरो और वन है जैसे मैंने कहा ज़ीरो और वन की बात आ जाए जीरो एंड वन की बात आ जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ पे प्लस लगने वाला है तो क्योंकि किसी स्ट्रिंग में जीरो आ रहा है किसी स्ट्रिंग में वन आ रहा है तो इसका मतलब इससे पहले ज़ीरो और वन कुछ भी हो सकता है तीसरी चीज़ यहाँ पे हमने ये देखा कि जीरो और वन अकेले अकेले तो नहीं है एनी नंबर ऑफ जीरो वन है यानी ऐसा भी हो सकता है वन रिपीट हो रहा हो ऐसा भी हो सकता है जीरो रिपीट हो रहा हो तो जब एनी नंबर ऑफ यानी अगर सिर्फ आपको ये कहा जाए ना ड्रा रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड वन तो आप जीरो प्लस वन लगा देंगे लेकिन अगर आपको कहा जाता है एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड वन तो आप ज़ीरो प्लस वन लगा के इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्टेरेक्ट क्योंकि लूप चल रहा है ना जीरो और वन का तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा या आप कहते हैं कि नहीं स्ट्रिंग से मुझे नहीं समझ आई मुझे क्लियर नहीं हुआ कि स्ट्रिंग से मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाऊँ तो मैं इसी क्राइटेरिया की डी एफ ए बना देती हूँ डी एफ ए या एन एफ ए मतलब जो भी सूटेबल बन जाती है ईजिली हम वो बना देते हैं तो क्राइटेरिया क्या था कि एंड्स ऑन ज़ीरो तो इसका मतलब ए स्टेट पे मैंने जब भी ज़ीरो दिया तो मेरी फाइनल स्टेट आ गई लेकिन उससे पहले क्या हुआ स्टार्ट में ज़ीरो और वन किसी भी तादाद के आ सकते हैं तो इसका मतलब ज़ीरो का और वन का क्या चल रहा है लूप चल रहा है शुरू में अब इसका एक्सप्रेशन बनाना है तो इस ज़ीरो का मैंने ज़ीरो ही लिख दिया ठीक है और इस ज़ीरो कॉमा वन की जगह पे मैंने जीरो प्लस वन लगा दिया और क्योंकि ये लूप था इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया स्टैरिक लगा दिया तो इस तरह से हम डी एफ ए से भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं स्ट्रिंग से भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं डायरेक्ट कैसे अगर आपको कहा जाता है यही क्राइटेरिया के एंडस ऑन जीरो और एनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ एंड वन एट स्टार्ट तो उसके लिए हम क्या कहेंगे एंड ऑन जीरो जीरो आ गया स्टार्ट में और एनी नंबर ऑफ जीरोज़ एंड वन इन स्टार्ट तो एनी नंबर ऑफ़ जीरोज एंड वन मैंने स्टार्ट में लगा दिया जीरोज़ एंड वन इन स्टार्ट के लिए मैंने जीरो प्लस वन लगा दिया और क्योंकि एनी नंबर साथ लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसकी जगह पर स्टैटिक लगा दिया तो ये देखें कितना ईजी है एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना एक स्टेटमेंट से तो हमने पहला किस देखा कि लैंग्वेज भी हो सकती है आपके पास गिवन उससे भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्राइटेरिया हो उससे भी हम बना सकते हैं और इसी के अंदर हमारा एक तीसरा टॉपिक भी टॉप इसमें आ गया शामिल हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फनाइट ऑटोमेटा यानी डायग्राम की मन हो और आपका कहाँ जाए इससे एक्सप्रेशन बनाएं तो आप उससे भी बना सकते हैं तो तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए अगर आपको ये ले क्लियर है लेक्चर तो एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे के जा रही हूं ताकि आप उसका एक्सप्रेशन बना सके ठीक है क्वेश्चन uh, uh, है कि ड्रा आर रेगुलर एक्सप्रेशन दैट स्टार्ट जीरो एंड एंड ऑन वन कॉन्टेनिंग जीरो एंड वन बड़ा ही सिंपल सा है और अगर आपको आज की सैम्पल क्लियर है तो ये वैसे भी बहुत आपको ईजी लगेगा इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर में शेयर कीजिएगा कि क्या आंसर इसका आता है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ही मज़ीद कुछ एग्जांपल्स uh, को देखेंगे ताकि हम सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन से कम्प्लिकेटेड किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना भी सीख सकें उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अल्लाह